तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में हम लेके आए हैं स्टेंजर का 2K एम्पलीफायर, जिसका मॉडल नंबर देख सकते हैं यहाँ पे इसका वॉल्यूम नॉब है, देख सकते हैं चैनल 1 के लिए और यहाँ पे चैनल 2 के लिए, और यहाँ पे स्टेंजर का ब्रांडिंग दिया गया है, और यहाँ पे मॉडल नंबर देख सकते हैं SBP2K। 2000 वाट का एम्पलीफायर है। यहाँ पे आउटपुट लेवल इंडिकेटर है यहाँ पे भी दोनों चैनल के लिए, और यहाँ पे देख सकते हैं पीक LED इंडिकेटर है, जब ये पीक पे जाएगा तो ये जल जाएगा। यहाँ पे ब्रिज मोड का स्विच है, मतलब ब्रिज मोड पर भी चलता है एम्पलीफायर, नया कंपनी ने लॉन्च किया है। यहाँ पे लाइन हाई का लाइन चेक का दिया गया है इंडिकेटर, और यहाँ पे देख सकते हैं डुअल पावर एम्पलीफायर। और यहाँ पे इसका इस एम्पलीफायर में आप 2 ओम पर 1000 वाट का लोड डाल सकते हैं, जैसे 2 ओम पर ये स्टेबल है और एक चैनल पर 1000 वाट आउटपुट देता है। यहाँ पे इसका स्विच है, स्विच का भी क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पे देख सकते हैं इसका जाली दिया गया है ताकि गर्म हवा बाहर निकल सके, और ये एम्पलीफायर थोड़ा सा दब गया है, गिर गया है, इसलिए थोड़ा सा टूट गया है। तो क्वालिटी इसका काफ़ी अच्छा, अभी भी ये एम्पलीफायर काफ़ी अच्छा है, मतलब कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब हम चलते हैं इसका थोड़ा बैक पैनल देख लेते हैं, देख सकते हैं इसका ऊपर का क्वालिटी। ये एम्पलीफायर 2 साल पुराना है। स्टार्टिंग में जब कंपनी ब्रिज मोड वाला निकाला था तभी हम लिए थे इसको। और यहाँ पर देख सकते हैं इसका बैक पैनल की क्वालिटी, और चलिए इसका डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइस, एम्पलीफायर के बैक पैनल आप देख सकते हैं यहाँ से, और ये है इसका पावर केबल। इसका क्वालिटी ठीक ठाक है, मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं बोल सकते हैं, ज़्यादा ख़राब भी नहीं, मतलब बीच का क्वालिटी है। और यहाँ पर देख सकते हैं चैनल 2 के लिए फ़ैन है, और चैनल 1 के लिए यहाँ पर फ़ैन है, देख सकते हैं। यहाँ पे स्टेंजर का ब्रांडिंग दिया गया है, और यहाँ पे भी इसका मॉडल नंबर दिया गया है, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे इसका एक कंपनी का सीरियल, मतलब एक स्टिकर है, ओरिजिनल होने का सबूत है, देख सकते हैं। यहाँ पे भी स्टेंजर पंचिंग किया गया है, तो ये स्टिकर नहीं रहेगा तो समझिए कि एम्पलीफायर डुप्लीकेट है। यहाँ पर बनाना टर्मिनल देख सकते हैं दोनों चैनल के लिए, स्टीरियो 2 ओम पर स्टेबल एम्पलीफायर है। और यहाँ पर देख सकते हैं इसका इनपुट का XLR में भी है, और P38 जैक पिन में भी है, तो काफ़ी अच्छा बात है। और यहाँ पे आपको अर्थिंग के लिए ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे भी कुछ सीरियल नंबर दिया गया है, इसका मॉडल नंबर लिखा गया है, देख सकते हैं आप। इस एम्पलीफायर की क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पे देख सकते हैं मेड इन कोलकाता एम्पलीफायर, ये कोलकाता में मैन्युफैक्चरिंग हुआ है। और यहाँ पर इसका MCB स्विच है, मतलब रीसेट स्विच है, यहाँ पर देख सकते हैं एम्पलीफायर की क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। वीडियो पसंद आएगा तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इसका टेस्टिंग करके हम नहीं दिखाएंगे, अगले वीडियो में दिखाएंगे। चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं।